नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आईएसपी टावर के बारे में। जैसा कि बहुत सारे आप लोगों का प्रश्न रहता है कि हम डिवाइस कैसे बांधें या हम टावर कैसे लगवाएं, तो आप देखेंगे तो ये हमारा 100 फीट का टावर है और इसमें हमने बहुत सारी डिवाइस भी बांध रखी हुई हैं। तो ये कैसे क्या टावर लगवाना है, कैसे लगवाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ये टावर है तो इसमें जो यह पाइप देख रहे हैं, ये जीआई पाइप है दोस्तों। इसमें जीआई पाइप की पहचान ये होती है, देखिए पेंट इसमें टिकता नहीं है, यानी कि जीआई जो पाइप होगा उसमें पेंट नहीं टिकता। तो अगर आप लगवाएं अपने यहाँ तो जीआई पाइप का टावर ही लगवाएं, जैसे जिंदल में आता, कई सारे कंपनी में आता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी टावर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मेरा हमारा ये जो टावर है ये पूरा 10 सेक्शन का है। दरअसल एक सेक्शन हमने यहाँ पर बचा लिया है, आप देखेंगे ये पड़ा हुआ है। ये इसलिए बचा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक खंड में हमने छत में लगाया था इसको, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऊंचाई समझी नहीं, इसलिए हमने इसको पूरा एक सेक्शन हटा लिया। यानी कि हमारे जो सेक्शन लगे हैं वो 9 सेक्शन लगे हैं, लेकिन जो ऊंचाई हमारे यहाँ वो पूरी 100 फीट की ऊंचाई है और हमने सबसे टॉप में डिवाइस से बांध रखी हैं। तो दोस्तों, तो टावर में सबसे पहला आप ये ध्यान रखें कि जो भी टावर आप बनवाएं वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने छत में लगाएंगे, घर में लगाएंगे, तो इससे किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि आपने कमज़ोर लगाया या 2-4 साल बाद वो जंग लग गया तब वो टावर गिरने का डर रहता है। तो इस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान दें कि लोहा जो हो बहुत ही सही लोहा होना चाहिए, जिससे कि आप सालों साल टावर का इस्तेमाल आप कर सकें, ऐसा ना हो कि आपको 2-4 साल में ही टावर आपका हटवाना पड़े। तो पहली आप चीज़ ये समझिए कि आप जो यहाँ पर पाइप इस्तेमाल करें लोहे का, बढ़िया जीआई पाइप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ बात आती है कि हम टावर कहाँ लगाएं। हम टावर ज़मीन में भी लगा सकते हैं, छत में भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में आप देखेंगे तो हमने छत में ही लगा रखा है और छत में टावर हमने लगाया है पूरा ये। तो इसमें छत में टावर लगाने से आपकी बचत ये हो जाती है कि आपका ऊंचाई भी कम रख सकते हैं, क्योंकि 1-2 खंड का आप छत होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा अगर टावर लगाने जा रहे हैं कि आप छत पर लगवा रहे हैं कि ज़मीन पर। अगर आप छत पर लगाएंगे तो आपके पास जो छत होनी चाहिए वो हमेशा याद रखें वो कंक्रीट की छत होनी चाहिए। कंक्रीट का मेरे कहने का ऐसा ये है कि जो आप पाइलिंग हो के जो पिलर में छत रहती है वो छत होनी चाहिए, नीम वाली छत में आप मत लगवाएं, ठीक है, क्योंकि एक जगह इसका लोड भी रहता है, हालांकि ज़्यादा लोड नहीं रहता लेकिन आप नीव की छत पर मत लगवाएं। अगर पुराना घर है तो मत लगवाएं, ठीक है, आपकी छत मजबूत होनी चाहिए। साथ ही आपका जो बेस होना चाहिए, क्योंकि बेस छत में ही रहेगा, तो अगर पिलर है तो दीवार या पिलर का जो क्रॉसिंग पड़ रहा है वहाँ पर आपको क्या कहते हैं इसका सिस्टम लगवाना चाहिए अगर आप छत पर लगवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ये दीवार है इस कमरे की, तो ये यहाँ से एक दीवार ऐसे गई हुई है, दूसरी दीवार ऐसे गई है, तो हमने यहाँ पर लगवाया है। यहाँ पर से फ़ायदा ये है कि हमारे इस दीवार का भी सपोर्ट है, इसके नीचे पिलर है, इस दीवार के सपोर्ट है, यहाँ भी पिलर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगवाया। अगर जैसे कि इसको हम यहाँ बीच में नहीं लगवा सकते, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जैसे ये जो कमरा है अगर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो जो लोड होगा वो छत के बीचों बीच होगा। हमें इन चीज़ों से बचना है, यानी कि जब भी आप लगवाएं तो दीवार के सहारे लगवाएं, इससे आपका जो पूरा लोड होगा इस टावर का वो उस दीवार पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। आप जो टावर है आप 1 खंड 2 खंड 3 खंड या 4 खंड अगर आपका घर मजबूत है तो आप आसानी से लगवा सकते हैं, बशर्ते जो मैंने बताया अगर पिलर से घर आया है तभी आप लगवाएं, अन्यथा आप ज़मीन पर लगवा सकते हैं। लेकिन ज़मीन पर आपको मटेरियल ज़्यादा लगता है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि आपको जो ये बेस देखिए, अभी ये 2 फुट का बेस है हमारा, ये जो बेस है 2 फुट की ऊँचाई का है, तो ज़मीन के केस में ये लगभग आपको इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगभग 4 फुट आपको मसाला रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन में क्या होता है
जमीन पोली होती है इसलिए धंसने का डर रहता है। क्योंकि ये घर है, हमारा घर पहले से बना था, इसमें धंसने का डर नहीं, इसलिए हमने इतना मसाला करा दिया। हालांकि यहाँ पर मसाला हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, ये जो आप देख रहे हैं कंक्रीट, ये बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर सीसी हमने कर दी, जबकि इसको 1.5 फुट या 1 फुट पर्याप्त है। ठीक है, तो हाँ लगभग टावर का जो वजन होता है वही लगभग मान के चलिए कि 3-3.5 क्विंटल 4 क्विंटल के आसपास ही होता है, क्योंकि जो सेक्शन